हमारे एमडीएम क्यों आप भी सर रे वाह हाउ यू महाराज आप बात कर रहे थे हां गले लगते भाई कॉलेज से सर आज बॉस बोलोगे आप हमारे सीनियर जूनियर ना जूनियर बॉस बोलता है सीनियर को जी सर नाम से नहीं बुलाते हैं वो नहीं बोलते ना सर नहीं बोलते सिग्नल विभाग के इंजीनियर को गले लगाते यह है नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के बाद ये सुर्खियों में है। अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अश्विनी वैष्णव सिग्नल विभाग के इंजीनियर को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे सर नहीं बॉस बोलोगे। दरअसल रेल मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण कर जब वो दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने यहां कर्मचारियों से मुलाकात की। इसी दौरान एक ऐसी मुलाकात हुई जो चर्चा का विषय बन गई। वीडियो में एक कर्मचारी ने मंत्री जी को बताया कि ये इंजीनियर जोधपुर के उसी एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से है जहां से रेल मंत्री पढ़े हैं। इस पर रेल मंत्री इंजीनियर को पास बुलाकर मजाक करते हैं। फिर क्या हुआ एक बार देखिए ये पूरा वीडियो। अपनी जगह अपना घर है, बहुत बढ़िया काम करेंगे, खूब मजा आएगा सर। जिंदगी में लगे कि हाँ मजा आया ऐसा रहेगा सर। ये सॉरी चाहेंगे, ये आप कल हम लोग बात कर रहे थे तो जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं ये हमारे एमडीएम क्यों आप भी सर रे वाह हाउ यू महाराज आप बात कर रहे थे हां गले लगते भाई कॉलेज से सर हम लोग कह रहे थे कि मंत्री जी को कभी आप मिलना तो बता देना कि हम उसी कॉलेज से हैं। आज बॉस बोलोगे आप हमारे सीनियर जूनियर ना जूनियर बॉस बोलता है सीनियर को जी सर नाम से नहीं बुलाते हैं वो नहीं बोलते ना सर नहीं बोलते हैं बॉस बोलते हैं। वेरी गुड शाबाश। हाल ही में मोदी कैबिनेट में हुए फेरबदल के बाद राजस्थान के जोधपुर में जन्मे अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है। नए रेल मंत्री को रेल के अलावा संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव को 2019 में ओडिशा से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था। रेल मंत्री ने 1991 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से जोधपुर से गोल्ड मेडल के साथ इलेक्ट्रॉनिक और संचार में इंजीनियरिंग की है। इसी साल प्रदेश की गहलोत सरकार ने मनीराम बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज को अब विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया है। इससे पहले तक एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। ब्लू सिटी के नाम से दुनिया में विश्वविख्यात जोधपुर की वैसे तो बहुत सी खासियतें हैं, मगर राजनीतिक तौर पर भी शहर ने प्रदेश की सियासत के साथ ही लोकसभा में भी खास छाप बना रखी है। जोधपुर में प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला है। देश के पहले मंत्रालय बने जल शक्ति मंत्रालय के मुखिया गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। अब नए रेल मंत्री के साथ ही राजनीति के तीन बड़े सियासी चेहरे अकेले एक जिले से निकलकर अपनी राजनीति में चार चांद लगाने के साथ ही अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।